हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें और देखते रहें एजुकेशन का अड्डा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द शूमेकर एंड द एल्व्स, लेसन टू, क्लास एट्थ। आइए इस पार्ट को हम समझते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ यू विल नो द स्टोरी ऑफ द सैड वुडकटर हु हैड लॉस्ट हिज एक्स हु हेल्प्ड हिम। मोस्ट ऑफ यू विल नो द स्टोरी, आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे, नो यानी क्या होता है जानना, जानते होंगे स्टोरी ऑफ द सैड वुडकटर। वुडकटर यानी लकड़ी काटने वाले की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, जिसमें उसका कुल्हाड़ी जो है नदी में गिर जाता है, उसके बाद क्या हुआ, है ना। हु हेल्प्ड हिम, किसने जो है आकर उसकी मदद की, तो कौन आता है, भगवान जो है उस समय आते हैं और उसको जो है सोने चांदी की कुल्हाड़ी देते हैं। तो इसी प्रकार जो है यह भी एक कहानी है, देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। वंस देयर वॉज अ वेरी पुअर शूमेकर, ही एंड हिज वाइफ lived in a little house on the edge of wood. Once, एक बार, there was a very poor shoemaker, बहुत गरीब shoemaker यानी जूते बनाने वाला जो है रहता था। He and his wife lived in a little house. वह और उसकी पत्नी दोनों के दोनों रहते थे एक छोटे से घर में, on the edge of wood. Edge का मतलब होता है किनारा, of wood यानी लकड़ी, और जंगल भी होता है, तो यहाँ पर वो जंगल के किनारे पर रहते थे, जहाँ वो रहते थे। देयर वेयर नॉट मैनी पीपल हु वुड बाई शूज फ्रॉम द शूमेकर, और वहाँ जो है देयर वेयर नॉट मैनी पीपल, ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, हु वुड बाई, जो कि क्या कर सकें, खरीद सकें, बाई यानी क्या होता है ख़रीदना, शूज फ्रॉम द शूमेकर, शूमेकर से ज़्यादा जूते वहाँ खरीद सके ऐसे लोग नहीं रहते थे। Each day his store of leather became less and less, और रोज़ दिन जो है उसके स्टोर से, उसके दुकान से लेदर जो है, लेदर यानी चमड़ा जिससे जूते बनते हैं, कम होते जाता था। He did not have money to buy more leather. He did not have यानी होना, उसके पास मनी नहीं था। He did not have money to buy यानी खरीदना, उसके पास और लेदर खरीदने के लिए, चमड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। डे बाई डे द शूमेकर एंड हिज वाइफ ग्रीव पुअरर, डे बाई डे यानी कम होता मतलब होता है दिन दिन ब दिन, शूमेकर एंड हिज वाइफ, शूमेकर और उसकी पत्नी ग्रीव पुअरर, ये पुअर यानी होता है गरीब, उसका ये कंपरेटिव डिग्री है पुअरर यानी और गरीब होते जा रहे थे। एट लास्ट देयर वॉज लेदर फॉर ओनली वन पेयर ऑफ शूज, अंत में केवल उसके पास एक पेयर ऑफ शूज के लिए लेदर बचता है। द शूमेकर कट आउट द लास्ट पेयर ऑफ शूज, और शूमेकर ने कट किया, काटा आखिरी जोड़े जूते के चमड़े को। ही सेड टू हिज वाइफ, और उसने अपनी पत्नी से कहा, टुमारो आई विल सो देम, तो बोलता है कि कल मैं जो है इसको सिलूंगा, इसकी सिलाई मैं कल करूँगा। What are the problems that the shoemaker faced? Shoemaker ने कौन कौन सा परेशानियों का सामना किया, तो कौन कौन से परेशानियों का सामना किया भाई, एक तो वह जो है जहाँ रहता था वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे, प्लस उसको पैसे नहीं थे जिससे वो चमड़े खरीद सके, जूते बना सके, तो इस प्रकार गरीब था और ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए उसको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग द शूमेकर गॉट अप एंड वेंट टू हिज शॉप, अगली सुबह शूमेकर गॉट अप, शूमेकर उठा, एंड वेंट और गया, इन टू हिज शॉप अपने दुकान में, ही वॉज सरप्राइज्ड एट वाट ही सा, वह जो है सरप्राइज्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, एट वाट ही सा जो उसने देखा, देर वॉज अ पेयर ऑफ शूज, उसने देखा कि वहाँ पर तो एक जोड़ी जूते रखे हुए हैं, जबकि उसने क्या किया था, उसने क्या किया था,
ही हैड कट लेदर फॉर शूज, उसने चमड़े को काटा था जूते बनाने के लिए। लेकिन जब वह आता है दुकान तो क्या देखता है कि जूते बन चुके हैं। ही हैड नेवर सीन अ बेटर पेयर ऑफ शूज, और उसने ऐसा जूता कभी भी नहीं देखा था। द शूज वेयर परफेक्ट, जो शूज थे वो एकदम सही थे, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं थी। द स्टिचेस वेयर फाइन, जो सिलाई हुई थी वो भी बहुत ही अच्छी थी। दे वेयर सो वेरी वेल मेड दैट दे वेयर सोल्ड एट वंस, वो इतने अच्छे थे कि एक बार में बिकने योग्य थे। हु डू यू थिंक केप्ट द शूज इन द शॉप? हु डू, किसने किया आप सोचते हो, आपके हिसाब से किसने किया और किसने वहाँ पर केप कैप्ट कीप यानी रखना, कैप्ट सेकंड फॉर्म है, वहाँ पर जूतों को रखा, किसने रखा होगा भाई, सोचिए। द शूमेकर वेंट टू द मार्केट विद द मनी, ही बॉट लेदर फॉर टू पेयर ऑफ शूज। अब शूमेकर जो है उन जूतों को बेच देता है, सोल्ड एट वंस लिखा ना यहाँ पे, एक बार में बिक गया वो, उस पैसे से वह जो है मार्केट से क्या लाता है, ही बॉट यानी खरीदा लेदर फॉर टू पेयर ऑफ शूज, दो जोड़ी जूतों के लिए वह जो है चमड़े खरीदता है, खरीदा। द शूमेकर कट आउट द टू पेयर ऑफ शूज एंड सेड टू हिज वाइफ, टुमारो आई विल सो देम। फिर से अब वह जो है दो जोड़ी जूतों के लिए चमड़े को काटता है और कहता है अपनी पत्नी से कि मैं इसको कल सी लूंगा। नेक्स्ट डे व्हेन द शूमेकर वेंट टू हिज शॉप, He was again surprised to see two pair of shoes beautifully finished. अगली सुबह जब वह जो है अपने दुकान जाता है तो फिर से अगेन यानी फिर से सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, टू सी टू पेयर ऑफ शूज ब्यूटिफुली फिनिश्ड, जिसको बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया था। द शूज वेयर वेरी वेल मेड, बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया था, एंड विथ वेरी फाइन स्टिचेस, जो सिलाई हुई थी वो भी बहुत ही सुंदर थी। He was surprised, वह तो आश्चर्यचकित हो गया। He sold them to his wife, वह जो है सो करता है, सो यानी दिखाना, sold यानी दिखाया, to his wife अपनी पत्नी को दिखाया, who was also surprised, also यानी भी, वह भी surprised हो गई to see such fine pair of shoes, इतने अच्छे जूते देखकर। She said, these shoes are very fine and the stitches are excellent. They will bring good money. उसकी पत्नी बोलती है कि shoes are very fine, जूते तो बहुत ही अच्छे हैं, and stitches are excellent, जो सिलाई हुई है वो तो बहुत शानदार है, excellent है, they will bring good money, और इससे तो हमको बहुत अच्छा पैसा प्राप्त होगा। The shoemaker went to the market at once and sold the two pairs of shoes for a good price. अब shoemaker मार्केट गया, एट वंस एक बार में ही उसके दोनों जूते बिक गए और फॉर अ गुड प्राइस, अच्छे पैसे मिले। विद द मनी ही बॉट लेदर फॉर फोर पेयर ऑफ शूज, अब जो पैसे मिले उससे वह जो है चार जोड़ी जूतों के लिए चमड़े खरीद कर लाया। ही कट आउट द लेदर एंड सेड टू हिज वाइफ, टुमारो आई विल सो देम, अब वह जो है चार जोड़ी जूतों को, जूते बनाने के लिए चमड़ों को काटता है और फिर से अपनी पत्नी से कहता है कि कल मैं इसको सी लूंगा, टुमारो आई विल सो देम। द शूमेकर गॉट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड वेंट हिज शॉप, अगली सुबह फिर से वह जो है उठा और अपनी दुकान गया। व्हाट डिड ही फाइंड, क्या पाया भाई, वंस अगेन ही फाउंड दैट हिज वर्क हैड ऑलरेडी बीन डन। वंस अगेन एक बार फिर से जब वह जो है अपनी दुकान जाता है तो वहाँ उसके काम पहले से खत्म हो चुका था, वर्क हैड ऑलरेडी बीन डन, उसके काम को किया जा चुका था। फोर पेयर ऑफ ब्यूटीफुल शूज वेयर लाइंग रेडी मेड ऑन द टेबल, वह जब देखता है तो ब्यूटीफुल फोर पेयर, चार सुंदर जूते के जोड़े जो है टेबल पर पड़ा हुआ था। दे वेयर परफेक्टली मेड विथ वेरी फाइन स्टिचेस, और वो बहुत ही अच्छे ढंग से बनाए गए थे, उसके जो सिलाई थी वो भी बहुत ही अच्छी थी। एंड वेयर सोल्ड वेरी क्विकली इन द मार्केट, और वह जो है मार्केट में तुरंत बिक गया। एवरी डे द शूमेकर वुड गेट अप एंड
go into his shop. There he would find his work already done for him. Every day, रोज दिन वह जो है सूमेकर उठता और अपनी दुकान जाता, वहाँ देखता कि उसके काम तो पहले से हो जाए रहते थे. द शूज वेयर ऑलवेज वेरी नाइसली मेड, और शूज जो है हमेशा नाइसली यानी बहुत ही अच्छे ढंग से बनाए जाते थे. द सूमेकर बिकेम वेरी फेमस, सूमेकर जो है बिकेम मैंने होना, बहुत ही फेमस हो गया. सून एवरीबडी वॉन्टेड टू बाई शूज फ्रॉम हीम, और बहुत जल्दी सभी लोग उसी से जूते खरीदने चाहने लगे. His shoes were so very well made that even the queen of the country wore them. इतना अच्छा वह जो है शूज बनाता था, जूते बनाता था, कि उस वहाँ की जो रानी थी वह भी जो है उसी के बनाए जूते पहनने लगी थी. She was very pleased with the shoes, और जूतों से वह बहुत खुश थी. She called the shoemaker and gave him 100 gold pieces. वह जो है सूमेकर को बुलाती है और उसको 100 गोल्ड स्वर्ण मुद्राएं जो है उनको प्रदान करते हैं. पहले ज़माने में जो है सोने की मुद्रा चलती थी, है ना, सोने के सिक्के होते थे. तो वहाँ की जो महारानी थी वो उसको बुलाकर, उसके जूते इतने अच्छे हैं, खुश हो गई वो देख के, और उसको 100 जो है गोल्ड पैसे देती है. द सूमेकर रिमेंड पुअर, गिव योर ओपिनियन. इसमें कहा जा रहा है कि सूमेकर गरीब रहा, अपना ओपिनियन दीजिए, ओपिनियन यानी राय. गरीब रहा क्या वो? नहीं रहा, अब तो अमीर हो गया है. द सूमेकर ग्रीव रिच, ग्रीव वेरी रिच. सूमेकर बहुत अमीर हो गया. रिच यानी अमीर, पुअर यानी गरीब. वन डे ही एंड हिज वाइफ मेड अप देयर माइंड टू फाइंड आउट हु मेड द शूज. एक दिन जो है वह और उसकी पत्नी दोनों के दोनों सोचते हैं, माइंड करते हैं कि फाइंड आउट, चलो हम खोजते हैं हु मेड द शूज, इन जूतों को आखिर बनाता कौन है. दे सेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कहते हैं वी मस्ट फाइंड आउट हु मेक्स द शूज. वो बोलते हैं कि हमको खोजना चाहिए, वी मस्ट फाइंड आउट, हमको जरूर खोजना चाहिए भाई किस कौन इसको बनाता है. सो वेन नाइट केम, जैसे ही रात होती है, दे वेंट इन टू द शॉप. वह जो है दोनों के दोनों वे शॉप में जाते हैं. देयर दे हिड देमसेल्फ बिहाइंड द कर्टन, वहाँ जो है अपने आप को हिड कर लेते हैं. हाइड यानी होता है छिपाना, छिपना, वहाँ पर वो हिड हो जाते हैं, छिप जाते हैं. बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड यानी पीछे, बिफोर यानी सामने, बिहाइंड आफ्टर, दोनों का मतलब पीछे, इन फ्रंट ऑफ यानी सामने, बिफोर यानी सामने, बिहाइंड यानी पीछे. तो यहाँ पर किसके पीछे? कर्टन के पीछे, पर्दे के पीछे छुप जाते हैं. फ्रॉम देयर दे कुड वॉच द बेंच ऑन विच द लेदर फॉर शूज वॉज केप्ट. वह जो है ऐसी जगह छुपते हैं जहाँ से उनको वह टेबल दिखाई दे जिस पर उन्होंने क्या रखा है, चमड़े रखे हुए हैं. वट डू यू थिंक दे सा, आपको क्या लगता है वो क्या देखे होंगे? कुछ दिखाई दिया होगा क्या उनको? चलिए देखते हैं क्या दिखाई दिया उनको. दे वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन्होंने वेट किया, वेट यानी इंतजार करना, वेटेड बहुत देर तक इंतजार किया. नथिंग हैपन्ड, कुछ भी वहाँ नहीं हुआ. हैपन यानी होना. व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ? नथिंग हैपन्ड, कुछ नहीं हुआ. दे गॉट वेरी टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थक गए. टायर यानी थकना. ऑफ वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, बहुत थक गए, कुछ होगा देखते देखते. Just then the clock struck 12. What do you think next happened next? जैसे ही 12 बजे, रात्रि के 12 बजे, what do you think, आप क्या सोचते हैं happened next, क्या हुआ होगा? तो देखते हैं क्या हुआ होगा. The two little elves jumped into the shop from the windows. दो छोटे छोटे elf, ये देखो ये दो दिख रहे हैं ना छोटे छोटे चित्र में, यही elves हैं. जैसे परियां होती हैं ना, उसी प्रकार ये एल्व हैं. दो छोटे छोटे एल्व आते हैं. कहाँ से आते हैं? फ्रॉम द विंडोज, विंडोज से कूदते हैं. द एल्व्स वोर पॉइंटेड कैप एंड वोर ओनली रैक्स. ये जो एल्व्स आए थे वो देखो पॉइंटेड कैप पहने हुए थे, ऐसी टोपी पहने हुए थे जिसके किनारे भाग कैसा है, पॉइंट निकला हुआ है, नुकीला है. और उनके जो कपड़े थे वो रैक्स थे, यानी
चिथड़े कपड़े थे, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। दे वेंट डांसिंग एंड स्कीपिंग अप टू द टेबल, और उन्होंने टेबल पर उछलते कूदते टेबल तक वहाँ तक पहुँचा। विथ अ हॉप एंड अ स्कीप दे जम्प ऑन द टेबल, कूदते हुए वे जो है टेबल पर पहुँचे। द एल्व्स सेट अक्रॉस लेग्ड एंड टुक अप द लेदर लेफ्ट देयर बाय द शूमेकर, और अपने पैर को फैलाकर वो जो है बैठ जाते हैं, जो शूमेकर ने लेदर छोड़े हुए थे उनको वो पकड़ लेते हैं। दे बिगेन टू वर्क, और काम करना प्रारंभ कर देते हैं। बिगिन यानी शुरू करना, सेकंड फॉर्म है। देयर नीडल्स फ्लू इन एंड आउट द लेदर, और उनके जो निडल थे, सुई थे, वो अंदर बाहर फटाफट सिलाई करने लगे। देयर लिटिल हैमर वेंट रैप अ टैप ऑन द लेदर, और जो छोटे छोटे उनके पास जो हथौड़ी थे उसमें वो फटाफट मार मार के और सुइयों से सिल सिल के जूते बनाने लगे। द एल्व्स वर्क वेरी फास्ट, उन्होंने बहुत ही जल्दी काम किया। एलमोस्ट इन नो टाइम द वर्क हैज़ कम्प्लीटेड, एलमोस्ट यानी उनको कुछ समय ही नहीं लगा और जूते बन के तैयार हो गए। देन द टू एल्व्स स्टार्टेड डांसिंग, और काम करने के बाद उन लोग क्या करने लगे, देखो नाचने लगे। दे जम्प्ड अप एंड डाउन, उन लोग ऊपर और नीचे कूदने लगे, अप एंड डाउन ऊपर नीचे। दे रेस्ट इन एंड आउट अराउंड द शूज, और उन्होंने जूतों के अंदर और बाहर खेलना प्रारंभ कर दिया। बिफोर द शूमेकर एंड हिज वाइफ हैड टाइम टू थिंक दे वेयर गॉन, और उन लोग कुछ सोच पाते उससे पहले दोनों के दोनों चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द हस्बैंड एंड वाइफ मेड अप देयर माइंड टू डू समथिंग फॉर द लिटिल एल्व्स। अब अगली सुबह वो सोचते हैं, मेड अप देयर माइंड टू डू समथिंग फॉर लिटिल एल्व्स, उन लोग सोचते हैं कि भाई चलो हम लोग भी जो है उन एल्व्स के लिए कुछ करते हैं, उन लोगों ने हमको इतना अमीर बना दिया, हमारे काम को कर देते हैं, वो भी बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। तो शूमेकर सेड टू हिज वाइफ, वट कैन वी डू फॉर द नाइस लिटिल एल्व्स, वट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। हिज वाइफ सेड द एल्व्स डिड नॉट हैव गुड क्लॉथ्स, वो बोलती है कि उनके पास डिड नॉट हैव, उनके पास नहीं है अच्छे कपड़े। दे वोर ओनली रैक्स, वो खाली चिथड़े कपड़े पहने हुए थे। आई शल मेक देम लिटिल कोट एंड ट्राउजर टू वियर, मैं जो है उनके लिए आई शल मेक, मैं बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी, लिटिल कोट, छोटे छोटे कोट बनाऊंगी और ट्राउजर्स उनके लिए बनाऊंगी, पैजामा बनाऊंगी। दैट विल बी वेरी नाइस, यह बहुत अच्छा होगा, सेड द शूमेकर। आई विल मेक टीनी शूज फॉर द गुड एल्व्स, और मैं उनके लिए छोटे छोटे जूते बनाऊंगा। देयर लिटिल फीट वेयर बेयर, उनके पैर जो है बेयर थे, बेयर यानी नंगे थे, मैंने उनके पास जो है कोई भी जूता या चप्पल भी नहीं था। सो द शूमेकर एंड हिज वाइफ वर्कड, तो इस प्रकार उन लोगों ने निर्णय लिया और दोनों के दोनों अपने काम पर लग गए। वेन द क्लोथ्स एंड शूज वेयर रेडी दे वेयर पुट ऑन द टेबल, और जब उनका काम कंप्लीट हो गया, जूते बन गए, कोट बन गए, ट्राउज़र बन गए, तो उनको टेबल पर रखकर चले गए। द शूमेकर एंड हिज वाइफ अगेन हिड बिहाइंड द कर्टन, और दोनों के दोनों शूमेकर और उसकी वाइफ जो है फिर से हिड हो जाते हैं, छिप जाते हैं पर्दे के पीछे। दे वेटेड साइलेंटली, और साइलेंटली यानी शांतिपूर्वक वहाँ इंतजार करते हैं। वंस अगेन व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 12 द एल्फ जंप्ड इन टू द शॉप फ्रॉम द विंडो, जैसे ही 12 बजते हैं विंडो से फिर से जंप करते हुए दोनों एल्व्स आते हैं। दे डांस्ड एंड जंप्ड ऑन द टेबल, वो डांस करते हुए कूदते हुए टेबल पर आते हैं टू डू देयर वर्क, अपने काम को करने के लिए। देयर दे सॉ लिटिल कोट्स ट्राउजर्स एंड नीट लिटिल शूज लेफ्ट फॉर देम बाई द शूमेकर एंड हिज वाइफ, वहाँ वो देखते हैं कि उनके लिए वहाँ पर कोट्स ट्राउजर्स और नीट यानी साफ, लिटिल शूज छोटे छोटे जूते लेफ्ट यानी छोड़ा गया था उन फॉर देम उनके लिए बाई द शूमेकर एंड हिज वाइफ, शूमेकर और उसकी पत्नी के द्वारा वहाँ पर जो है छोटे छोटे कोट ट्राउजर
जूते छोड़े गए थे उसको उन लोग देखते हैं। द एल्फ्स वेयर वेरी हैप्पी, और उसको देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। दे क्लैप्ड एंड लाफ्ड विद जॉय, वो क्लैप करते हैं, क्लैप यानी ताली बजाना, ताली बजाते हैं, लाफ्ड करते हैं, लाफ यानी हंसते हैं, विद जॉय खुशी के मारे उन लोग हंसते हैं। व्हाट डू यू थिंक द एल्फ्स डिड नेक्स्ट, आप लोग क्या सोचते हैं उन लोग क्या किए होंगे, पहने होंगे। दे पुट ऑन देयर लिटिल क्लोथ्स एंड स्कीपिंग एंड डांसिंग वेंट आउट द विंडोज। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, वो उनको पहनते हैं और वहाँ पर स्कीपिंग करते हुए डांसिंग करते हुए वेंट आउट ऑफ द विंडो, बाहर चले जाते हैं। द लिटिल एल्फ्स नेवर कम बैक बट द शू मेकर एंड हिज वाइफ ऑलवेज हैड गुड लक। अब इसके बाद जो है एल्व्स नेवर, नेवर यानी कभी नहीं, केम बैक यानी वापस नहीं आए, अगेन यानी दोबारा, ठीक है ना। एक बार जब उन्होंने उनके लिए जूते और ट्राउज़र कोट्स बनाए और उन्होंने पहना, उसके बाद कभी भी वापस वहाँ नहीं आए। बट किंतु द शूमेकर एंड हिज वाइफ ऑलवेज हैड गुड लक, लेकिन उनके पास वो गुड लक हमेशा रहा, यानी वो हमेशा भाग्यशाली बने रहे, उनके जूते हमेशा बिकते रहे और वे अमीर रहे। दे ग्रीव रिचर एंड लिव्ड हैप्पली ईवर आफ्टर, और वो दिन ब दिन जो है रिचर होते गए, रिच यानी अमीर, ये जो है डिग्री होता है, कंपरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, रिचर एंड रिचर, दिन ब दिन जो है अमीर होते गए और लिव्ड हैप्पली, खुशीपूर्वक जो है रहने लगे। तो इस प्रकार यह पार्ट खत्म होता है बच्चों। तो यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और देखते रहें स्काईटेक सीजी यूट्यूब चैनल।